नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रीवा जिले में एक युवक के नदी में डूबने की सूचना मिलते ही प्रभारी एसडीआरएफ प्लांटून कमांडर विकास पांडे ने होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके कुछ समय बाद शव को बरामद किया गया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एसडीआरएफ और होमगार्ड को सगरा थाना अंतर्गत बीहड़ नदी खरहरा घाट में एक युवक के डूबने की सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी एसडीआरएफ प्लांटून कमांडर विकास कुमार पांडे, क्विक रिस्पांस टीम, होमगार्ड और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एसडीआरएफ के जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां पर घटनास्थल से 4 किलोमीटर आगे शव को बरामद किया गया। चौकी पहचान राज बहादुर सिंह, उम्र 35 साल, पिता यदुनाथ सिंह, ग्राम इटावा, थाना सगरा के तौर पर की गई है, जहां से आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा अग्रिम कार्रवाई के लिए शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। आज यहाँ पे सर्चिंग चालू है, तो बताएं सर यहाँ पे क्या मामला हुआ है आज? पुलिस कंट्रोल रूम से इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एसडीआरएफ होमगार्ड को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम इटहा के एक व्यक्ति राज बहादुर सिंह जो है नदी में मछली पकड़ते समय शायद हादसे का शिकार हो गए और नदी में डूब गए हैं। उसकी सूचना पर हमारी एसडीआरएफ होमगार्ड की संयुक्त टीम जो है उस शव की सर्चिंग के लिए लगातार प्रयासरत है। चूँकि जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो हम 2-3 किलोमीटर का दायरा लेकर के चल रहे हैं। तो इटहा के इस खटखरी खरहरा घाट से और आगे हम 3-4 किलोमीटर का दायरा ले रहे हैं, चूँकि बहाव बहुत तेज़ है तो शव आगे तक निकल सकता है। ये कब की घटना है? ये आज सुबह हमें 1 से 1.5 घंटे पहले हमें सूचना प्राप्त हुई थी। आज सुबह की घटना है कि वो मछली पकड़ते समय हादसे का शिकार हुए और डूब गए। ये यहाँ ये कौन सा गाँव है? इटहा। तो अभी उसकी सर्चिंग चालू है, अभी मतलब कोई वहाँ पे कुछ मिला अभी नहीं तक है। सफलता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि बहाव बहुत तेज है और नदी की चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो लगातार हम सर्चिंग कर रहे हैं। और नदी की गहराई कहीं कहीं पे कम होने से थोड़ा सा बोट उतारने में और इंजन लगातार चलाने में हमें दिक्कत हो रही है। कितने लोगों की संख्या थी जो इसमें? हमारी रेस्क्यू टीम में 10 सदस्य हैं जी। नहीं, इसमें और जो बहे हुए हैं तो कितने लोग थे? हमें एक ही व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई है, बस उन्हीं की सर्चिंग चल रही है।